ये रहा पाकिस्तान का झंडा, ये इस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ इंडिया है। ये रहा दरियाए नीलम, कश्मीर ख़त्म हो जाएगा, दरियाए नीलम नहीं ख़त्म होगा, ये इतना लंबा दरिया है। ये भाई कुटन वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल का पानी यहाँ पर आ रहा है और ये वाटरफॉल के बिल्कुल ऊपर ये एक ब्रिज बनाया गया। ये ब्रिज बना लेकिन लकड़ी का हुआ है। ये आपने बड़े प्यारे कश्मीरी कपड़े लगाए हुए हैं बच्चों के, छोटी बच्चियों के, क्या रेट्स हैं इनके? शे हम भी भाई जो सा हमने अभी कुटन वाटरफॉल देखा है ना उसके बिल्कुल नीचे आ गए हैं हम। ये देखें अच्छा बशे ये गए। धानी वाटरफॉल की खूबसूरती देखने के बाद एलओसी की खूबसूरती देखने के लिए हम फाइनली एलओसी पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये है सारी एलओसी, जिसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर लाइन। ये पहाड़ों में देखें माशाल्लाह से क्या लिखा हुआ है, ग्रेटनेस फॉर अल्लाह। ये सारा व्यू है एलओसी के पास का। ये देखें वो सामने इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, उसके उस तरफ सारा जम्मू कश्मीर है जहाँ पर इंडिया का कब्ज़ा है। इस एलओसी को अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसके उस तरफ इंडिया सारा। ये रहा पाकिस्तान का झंडा, ये इस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ इंडिया है। यहाँ से मैं आपको इसके ऊपर जाके दिखा देता हूँ। आ जाए ये रहा हमारा झंडा। अस्सलाम वालेकुम यार, ये हमारे एक न्यू दोस्त हो रहा है। जैसे ये कश्मीर का झंडा लगा और ये साथ पाकिस्तान का है। ये रहा दरियाए नीलम, ये पूरे कश्मीर में बह रहा है। कश्मीर ख़त्म हो जाएगा, दरियाए नीलम भी ख़त्म होगा। ये इतना लंबा दरिया है, कश्मीर के स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है और चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। नीलम वैली और पाकिस्तान इंडिया का जो सा बॉर्डर है, एलओसी जो सा हम घूम के आए हैं अभी, उसके बाद हमने जो कश्मीर के नेक्स्ट पॉइंट पर स्टे किया वो है यहाँ पे कुटन वाटरफॉल के नाम से। माशाल्लाह ये भी बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, ये जैसे कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं आपको क्लोज दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भाई कुटन वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल का पानी यहाँ पर आ रहा है और ये वाटरफॉल के बिल्कुल ऊपर ये एक ब्रिज बनाया गया। ये ब्रिज बना लेकिन लकड़ी का हुआ है। डर भी लग रहा है कि यार कहीं ये लकड़ी का ब्रिज टूट फूट ना जाए और मैं कहीं उस ब्रिज के नीचे ना चले जाऊं। ब्रिज टूट के पानी में ना चले जाऊं। लेकिन ये बड़ा मजबूत ब्रिज बना हुआ है लकड़ी का, इसके ऊपर बहुत सारे लोग घूम फिर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग तो बाइक्स लेके भी आए हुए हैं, तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। बट द व्यू इज़ ऑसम, ऑसम, टोटली ऑसम। यार कुटन वाटरफॉल में ना इस वक्त शदीद बारिश हो रही है। ये देखिए मैंने सर्दी में जैकेट भी पहन ली हुई है, शदीद बारिश हो रही है। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं बारिश में ही व्लॉग शूट करूँगा, मैंने भाई पूरा कश्मीर देखना है पूरा। तो चलो जितना देखा जाएगा उतना देखेंगे। पूरा का पूरा कश्मीर ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, एक और मज़े की बात, यहाँ पर जो लोगों के घर बने हुए हैं वो बिल्कुल कार्टूनिश स्टाइल के बने हुए हैं, जिस तरह आप डोरेमोन में घर देखे होंगे लोगों के, वो एक
रेड ब्लू से कलर की छतें बनी होती हैं, बिल्कुल वैसे घर बने हैं पहाड़ों के अंदर, छोटे छोटे, बहुत खूबसूरत है। ये थोड़ा सा मैं डेमो दिखा भी सकता हूँ आपको, ये सामने ही है। अच्छा, मुझे यहाँ पर कश्मीर के ना इस पॉइंट पर, कटन वाटरफॉल के पॉइंट पर ना एक कपड़ों वाली मार्केट मिली है, तो इनसे भी पूछते हैं, हमारे कश्मीरी भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कश्मीरी कपड़ों का क्या रेट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा यार, ये आपने बड़े प्यारे कश्मीरी कपड़े लगाए हुए हैं बच्चों के, छोटी बच्चियों के, तो क्या रेट्स हैं इनके? सर, इनकी मुख्तलिफ प्राइस है। मुख्तलिफ प्राइस है, ठीक है। तो बच्चों का क्या, यानी ये एक नॉर्मल रेंज क्या है आपकी? नॉर्मल रेंज हमारी 700-800। 700-800 छोटे बच्चे की, छोटे। और बड़ों की? और बड़ों की तो मुख्तलिफ आ जाते हैं, फिर वो लेडीज़ बड़े हमारे पास आते हैं। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं, ये जो चीज़ लगी हुई है सर, ये छोटी बच्ची की शर्ट? यार ये इस तरह के अक्सर गाउन्स भी तो पहने होते हैं यहाँ पर बच्चियों ने, या ये पहने वो शर्ट की, जो शर्ट पहन के उसके ऊपर पहने होते हैं? सही सही, हमारा ये कश्मीरी लिबास, ये स्पेशल कश्मीरी है। अच्छा, लड़के क्या पहनते हैं यहाँ पर? यहाँ पे लड़के सेम कपड़े पहनते हैं, सेम यही अजरक टाइप चीज़ें पहन लेते हैं। सही सही सही। यहाँ पर ना मुझे पहाड़ों के पास कोई सीढ़ियाँ सी मिली हैं, ये देखें, तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर क्या है ऊपर, देखते हैं ऊपर जाकर क्या मिलता है। लेट्स सी, कुछ बच्चे नीचे उतरे हैं तो मुझे लगता है कोई खौफनाक चीज़ नहीं होगी। अच्छा यार, ये तो रेस्टोरेंट है। ये तो बहुत प्यारा बना हुआ है यार, ये एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये यहाँ से ऊपर सारे पहाड़ हैं, ये एक रेस्टोरेंट है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें, ये अंदर एक रेस्टोरेंट है, और ये आई थिंक वॉशरूम है। तो मुझे लगा पता नहीं क्या बच्चे किस चीज़ के लिए उतर रहे हैं यहाँ से। ठीक हो गया भाई, कोई खौफनाक चीज़ नहीं है। लेकिन यार इसके साइड पर बहुत प्यारे प्यारे पत्थर हैं, ये देखें, थोड़े थोड़े एंटीक टाइप पत्थर लग रहे हैं, वो देखें। इस तरह के पुराने ज़माने के नहीं होते, एज अ डेकोरेशन पीसेस हम अक्सर हम घरों में रखते होते हैं जिनको, ये वो हैं। आसिफ भाई मुझे कह रहे हैं कि आओ तुम्हें एक स्पेशल चीज़ दिखाऊँ, मैं देखना चाहता हूँ वो स्पेशल चीज़ क्या है। ये तो कोई गार है, ये इस घर में चले गए हैं। ओह यार, यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनी है, ये देखें जी, ये देखें। ओए होए होए, ये तो पहाड़ उतरने का जरिया है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यार। हम आसिफ भाई के पीछे पीछे ये पहाड़ के नीचे जा रहे हैं, और बस बचत हो जाए, सही गिर गुर ना जाए। ये गए उत्तरी यार, ये यहाँ पर कितना प्यारा पॉइंट भी बना हुआ है, ये देखो जी, छतरी लगा लग हो के। अच्छा ये पता नहीं वहाँ तक किस तरह गए हैं, अब मैं पीछे रह गया हूँ ब्लॉग बनाने के चक्कर में, कहीं मैं फिसल ना जाऊँ, बाकी खैर है। ए यहाँ से गए इधर, इधर से इधर, और इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये नीचे 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 नीचे, बस अब फिसल ना जा। ये बने हैं पत्थर जब छलांगे मारने के लिए। ओ शबाश, हम भी भाई जो सा हमने अभी कुटन वाटरफॉल देखा है ना, उसके बिल्कुल नीचे आ गए हैं हम, ये देखें। अच्छा बशे, ये गए। अच्छा जी, बस पानी में पाँव ना धंस जाए। ये देखें, ये भाई कोई ऑक्टोपस ही लग रहा है मुझे ये तो। यहाँ ऊपर से हम आए हैं खुफिया किले से, और नीचे आ गए हैं, और ये हम बिल्कुल ही अपने वो
कुटन वाटरफॉल के पास आ गए। ये हमारे आसिफ भाई हैं, ही इज वन ऑफ द ग्रेट मैन। और ये हमारे कुछ भाई दोस्त हैं, यार बेली है जो कि तस्वीरें सारे में मसरूफ़ है। मैं भी सोच रहा हूँ इसका छतरी पकड़ के एक पिक्चर ले लूँ। तब हम कुटन वैली से निकलने लगे हैं और अब हम जाने लगे शारदा की तरफ, जो कि हमारा होटल पॉइंट है, जहाँ पे हम स्टे करना है। होटल है वहाँ पे हमारा। हमारे होटल का व्यू मेरे रूम से, जो जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, इतना प्यारा व्यू है। पीछे पानी वाला भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ है बच्चे। और ये बस रात होने वाली है, अब मगरिब का टाइम चल रहा है। पॉइंट हम आज घूम फिर के आ गए हैं, तो होटल की तरफ आए हैं, क्योंकि अब होटल में स्टे करना है। रात हो गई हुई है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ही मैं आज का इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में, जहाँ भी जाएंगे कश्मीर में घूमने फिरने, उसका व्लॉग बनाएंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल। सी यू, बाय बाय।